पिथौरागढ़ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग में अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है, जिस कारण कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं, उससे जो निचले कर्मचारी हैं, उनका शोषण किया जा रहा है और इसके खिलाफ अब उन्होंने आवाज भी उठाई है। जनपद पिथौरागढ़ के समस्त कर्मचारियों ने एक और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हम जब तक उनको नोशनल पदोन्नति प्रदान नहीं की जाती है, क्रमिक अनशन में बैठेंगे। और अगर जल्दी ही हमारी बात को विभाग नहीं सुनता है, जिस प्रकार विभाग 6 महीने से हमारे विभागीय प्रत्यावेदनों को और हमारे संगठन के आवेदनों को, हमारे संगठन के अनुरोध को नहीं सुन रहा है, तो अगर ये नहीं सुनता है तो जल्दी ही इस क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले रहेंगे और कब वो काम पर वापस लौटेंगे। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।